हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल विडोसी गाइस। तो आई नो आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि वीडियो नहीं आ रही है, तो आप लोगों के लिए आज वीडियो आ गई है। तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी, अब थोड़ा सा बेहतर हूँ। तो आज आप लोगों के लिए जो है वो फ्लेवर्स की वीडियो लेके आया हूँ। फ्लेवर्स का जो है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि फ्लेवर्स बता दें कौन सा फ्लेवर अच्छा है या कौन सा फ्लेवर आप पोर्ड के लिए यूज़ करें या वेव के लिए यूज़ करें या पोर्ड मोड के लिए यूज़ करें। तो आज आप लोगों के सामने ये इतने फ्लेवर्स यूज़ जो है वो पड़े हुए हैं। मैं चाह रहा था कि फ्लेवर मैं पहले यूज़ कर लूँ, फिर आप लोगों को बता दूँ कि यार कौन सा फ्लेवर आप लोग यूज़ करें, कौन सा फ्लेवर जो है उसका टेस्ट अच्छा है, या कौन सा फ्लेवर जो है वो कौन सी कंपनी का फ्लेवर आप ना लें, या कौन सी रिकमेंडेशन मैं आपको दूँ फ्लेवर की जो कि जिसका मज़ा आता है या जिसका टेक्स्चर अच्छा आता है आपको। तो वो डेफिनेटली फ्लेवर्स यूज़ करने के बाद ही मैं आपको बता सकता था। तो अब थोड़े बहुत फ्लेवर्स मैंने यूज़ कर लिए हैं, टेस्ट कर लिए हैं, तो डेफिनेटली अब मैं आपको गाइड कर सकता हूँ या रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि आप ये वाला फ्लेवर लें और ये वाला फ्लेवर ना लें। तो आज आप लोगों के सामने काफ़ी फ्लेवर्स पड़े हुए हैं। कुछ इसमें से जो है वो वेप के फ्लेवर हैं जिसमें 70% वीजी होता है, कुछ इसमें जो है वो आपके पास पोर्ट्स के, क्योंकि हम ज़्यादातर मैं क्योंकि सिगरेट मैंने छोड़ दिया है, पहले मैं सिगरेट पीता था, अब मैंने पोर्ट की वजह से सिगरेट छोड़ दिया, अब ज़्यादातर जो है वो मैं पोर्ट्स के फ्लेवर ही जो है वो खरीदता हूँ। तो कुछ पोर्ट्स के फ्लेवर मैं आज आपको बताऊँगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जिसका फ्लेवर आपको टेक्स्चर बड़ा अच्छा आता है, और कुछ वेप्स के फ्लेवर आपको बताऊँगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं पोर्ट मोड में और वेप में जिसका आपको टेक्स्चर और स्मोक बड़ा अच्छा आता है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियोस और चेक करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फ्लेवर अच्छा है आपके पोर्ड के लिए, कौन सा फ्लेवर अच्छा है आपके पोर्ड मोड और वेप के लिए। गाइस सबसे पहले जो है वो ये कुछ वो वाले फ्लेवर्स हैं जो मैंने यूज़ कर लिए हैं और आपको रिकमेंडेशन दूंगा इसकी। टॉप 10 या टॉप 5 फ्लेवर्स नहीं बता रहा मैं, वो आपको फ्लेवर्स या वो ब्रांड्स के फ्लेवर्स बता रहा हूँ जो मैंने यूज़ कर लिए हैं और जिनका काफ़ी जो है मुझे नाइस टेक्सचर और काफ़ी मज़ा आया है, फ्लेवरफुल फ्लेवर है ये। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वीडियो हमारे टोक्यो के साथ। टोक्यो का जो आपके पास बेरी फ्लेवर आता है, सिंपल बेरी फ्लेवर, काफ़ी नाइस फ्लेवर है, काफ़ी आपको इसमें टेस्ट आता है बेरी का। अगर आप किसी और कंपनी का बेरी लेंगे तो वो आपको उसमें टेस्ट नहीं आएगा जो आपको टोक्यो में आएगा। मैंने काफ़ी बेरी के टेस्ट यूज़ किए हैं लेकिन मुझे जो टोक्यो में बेरी का टेस्ट आता है वो किसी भी कंपनी के फ्लेवर में मुझे आज तक नहीं मिला है। तो अब इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इसमें आइस बहुत कम होता है तो ये बेरी आइस लेकिन इसमें आइस काफ़ी कम होता है। तो आइस के लिए आपने क्या करना है, आपने एक अलग से जो है वो आइस का फ्लेवर खरीदना है, वो भी टोक्यो का ही फ्लेवर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है टोक्यो का आइस फ्लेवर जो कि आप अलग से खरीद सकते हैं, इसको आप अलग से इसको मार्केट से मिल जाएगा आपको। अब आपने इसको अलग से खरीद के जो है इसकी रेशियो सेट करनी है, आई मीन आप इसको ऐड कर सकते हैं 20% हर फ्लेवर के अंदर, कोई भी आप फ्लेवर अपना पोर्ड के अंदर यूज़ करेंगे। ये 30 mg है, दोनों ही 30 mg निक के साथ आते हैं ये, और ये आपको तंग भी नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार गले में बहुत ज़्यादा जो है वो लग रहा है फ्लेवर, उसके बाद जो है वो मुझे काफ़ी भारी सी फीलिंग आ रही है, मेरे जिस्म जो है वो काफ़ी भारी हो गया है, सांस नहीं आ रहा है। तो वो फ्री बेस फ्लेवर यूज़ करते हैं, फ्री बेस का 18 mg निकोटीन यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनके साथ ये होता है। लेकिन अगर आप फ्री बेस के अलावा जो निक साल्ट आता है अगर आप वो यूज़ करेंगे तो उससे आपको इस तरह की फीलिंग्स नहीं आती, बेशक वो 30 mg या 35 mg तक भी आप यूज़ कर लें, इस तरह की आपको फीलिंग नहीं आएगी। तो ये आपने 30 mg, 20 mg और 50 mg इसमें आता है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी निक साल्ट ले लें। आपने बेरी का कोई फ्लेवर लेना है उसके साथ आपने ये ज़रूर ऐड करना है इसमें 20%, सारा आप जो है वो बेरी या सारा आप मिंट नहीं ऐड करेंगे, आपने 20% मिंट की रेशियो रखनी है, 80% आपने बेरी की रेशियो रखनी है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो मिंट आपने लहरा से ले लेना है, ये फ्लेवर्स में नहीं आता है, ये सिर्फ एक टेक्स्चर ऐड करने के लिए है मिंट का। तो पहला हमारा फ्लेवर हो गया बेरी का, दूसरा हमारे पास जो है वो फ्लेवर आता है इसी कंपनी का, तो ब्लैक सीरीज़ का आपके पास ट्रिपल बेरीज आ जाता है टोक्यो का ही। आपने ये बहुत ही नाइस और मज़े का फ्लेवर, इसमें आपके पास जो है वो ब्लूबेरी के अलावा आपके पास रसबेरी भी आ जाती है और ब्लैक रसबेरी भी आ जाती है। तो इस 3 बेरीज फ्लेवर आपको ये मिलता है इसमें, आप ट्रिपल बेरीज का नाम है टोक्यो का, ये ब्लैक सीरीज है इसकी, ये भी आप खरीद सकते हैं। मैं नया ही लेके आया था, पहले जो है मैंने यूज़ किया है इसको, काफ़ी मुझे जो है वो फ्लेवर अच्छा लगा, इसकी वजह से मैं इसको दोबारा एक नया फ्लेवर लेके आ गया इसका। तो प्राइस आपको इन सारे पोर्ट्स के फ्लेवर की आपको जो है वो मार्केट में प्राइस 3000-3000 तक आपको आराम से मिल जाएगा, ये मार्केट से कोई डिस्काउंट चल रहा है। जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को जो मेरे इंस्टाग्राम पे यूज़र्स हैं जो जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है उनको मैं अपडेट्स जो है वो देता रहता हूँ। वेब डायरेक्ट पे एक जो है वो डिस्काउंट चल रहा था 25%, जिसमें आपको ये 2100 का फ्लेवर मिल रहा था जो आपको 3000 का मार्केट से मिलता है। तो जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम पे, विडोसी के नाम से ही मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ पोर्ट्स और फ्लेवर्स के हवाले से। तीसरे फ्लेवर की बात कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये BLVK का ब्लैक सीरीज है और एलोए ग्रेप्स इसका नाम है, काफ़ी मज़ेदार फ्लेवर है ये, काफ़ी फ्लेवरफुल फ्लेवर आप इसको कह सकते हैं। जिन लोगों को फ्लेवर नहीं आ रहा होता है या कहते हैं फ्लेवर नहीं आ रहा, आप BLVK की ब्लैक सीरीज में जो आपके पास एलोए ग्रेप्स आता है वो आप खरीद सकते हैं। अगेन इसके साथ भी आपने 20% मिंट ऐड करना है टोक्यो का।
अगले फ्लेवर की बात कर लेते हैं जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो वो है हमारे पास बनाना। बनाना 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 टोक्यो का बनाना फ्लेवर है। बनाना तो मुझे चिगो बिग फोर्स के तक कर लो बिगो बिगो नूंडो बिगो मवाना ट्रिपल ट्रिपल कौनो। टोक्यो का बनाना फ्लेवर है। इसमें आपको एग्जैक्ट वही टेस्ट आता है जो आप एक लाइक मार्केट से अगर आप बनाना खरीद के खाते हैं, जो आपको खुशबू और टेस्ट आ रहा होता है उसमें, सेम ये वही टेस्ट है। कुछ लोगों को ये टेस्ट अच्छा नहीं लगता है और काफ़ी हाई टेस्ट है। लाइक इसको जब आप पहली बार ही स्मोक करेंगे या वेप करेंगे तो आपको काफ़ी काफ़ी हाई टेस्ट आएगा आपको, और ये आपको एग्जैक्ट बताएगा कि यार बड़ा अच्छा बनाना फ्लेवर है। तो ये भी आप मार्केट से ले सकते हैं, 3000 में मिल जाएगा। अगर आपको कोई डिस्काउंट में दे रहा है तो वो आपको 2100 का ईजिली मिल जाएगा मार्केट से। अगले फ्लेवर की बात करूँ जो मुझे सबसे अच्छा लगा है, तो उसमें हमारे पास आ जाता है बियॉन्ड का कीवी। ये एक इतने मज़े का कीवी फ्लेवर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बियॉन्ड का जो कीवी फ्लेवर है या बियॉन्ड के जितने भी सॉल्ट आ रहे हैं उसमें कीवी और एक मेलन जो मैंने वेप में जो है मैं यूज़ करता हूँ जिसमें 70% वीजी है, ये 50% वीजी और 50% पीजी है। पोर्ट का फ्लेवर है क्योंकि पोर्ट के फ्लेवर में आपको 30 ml की जो है वो बोतल मिलती है, तो 30 ml में आपको ये 30 mg आप देख रहे होंगे ई लिक्विड पोर्ट के लिए। कीवी पैशनेट इसका नाम है, या कीवी पैशन भी आप इसको कह सकते हैं। ये भी आपको सेम प्राइस में मिल जाएगा, काफ़ी नाइस फ्लेवर है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की इसकी स्मेल है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लेवर आ जाता है जी स्क्वीज़ का वाटरमेलन। अब वाटरमेलन मेरे पास दो पड़े हुए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास एक BLVK की ब्लैक सीरीज का वाटरमेलन पड़ा हुआ है और एक जो है हमारे मेरे पास स्क्वीज़ का। तो BLVK की ब्लैक सीरीज का इतना मज़ा नहीं है वाटरमेलन का, जो कि आपको स्क्वीज़ का मज़ा आता है। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप स्क्वीज़ का वाटरमेलन यूज़ करें, और जो लोग फ्री बेस यूज़ करना चाह रहे हैं 0 mg यूज़ करना चाह रहे हैं वो 0 mg में ले लें। लेकिन अगेन अगर आप पोर्ड में ऐड करें तो आपने 50% वीजी 50% पीजी ऐड करना है, आपने 0% नहीं ऐड करना है, फिर आपको फ्लेवर नहीं आएगा। वेप में आप इनहेल ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा स्मोक की वजह से आपको फ्लेवर भी ज़्यादा आता है, तो आपको फ्लेवर आ जाता है। लेकिन पोर्ड में आप स्मोक कम करते हैं जिसकी वजह से आपको फ्लेवर चाहिए होता है, तो 50% पीजी आपने यूज़ करना है अपने पोर्ड के फ्लेवर्स में। तो ये आपका वाटरमेलन स्क्वीज़ का, अगर आप वाटरमेलन यूज़ करना चाह रहे हैं, काफ़ी प्यारा टेस्ट है। जो आप वाटरमेलन जब खाते हैं जो टेस्ट आपको आता है या जो आप स्मेल करते हैं उसी तरह का ये टेस्ट है, बहुत ही नाइस टेस्ट है, आपको मज़ा आएगा इसका। तो नेक्स्ट फ्लेवर की अगर बात करें तो हमारे पास जस्ट जूस का फ्लेवर आ जाता है, नेक्स्ट साल फ्लेवर है। ये भी पोर्ट के लिए फ्लेवर है, 20 mg आप देख रहे होंगे इसमें जो है वो निकोटीन है, और 10 ml की जो है ये बोतल है। बोतल की निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी कीवी फ्लेवर ही है लेकिन इसमें कुछ और चीज़ भी ऐड है, जैसे क्रैनबेरीज हो गया। पाकिस्तान में क्रैनबेरीज तो नहीं मिलती है लेकिन बाहर मिलती हैं क्रैनबेरीज, तो ये कीवी एंड क्रैनबेरीज हमारे पास फ्लेवर आ जाता है। 10 ml की बोतल है, चेक कर सकते हैं आप। कोई भी चीज़ अगर आपने टेस्ट करनी हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसकी जो है वो 10 ml की बोतल लें, बजाय इसके कि आप उसकी इकट्ठी 60 ml या 100 ml या 30 ml की बोतल ले लें। तो ट्राई करने के लिए जो है मैंने ये मंगवाया था इंटरनेट से, ऑनलाइन वेबसाइट से, और ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। जो लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टेस्ट चाह रहे हैं कीवी का, या जो लोग थोड़ा सा हिट चाह रहे हैं स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के साथ, तो वो लोग जस्ट जूस का कीवी एंड क्रैनबेरी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फ्लेवर की बात कर लेते हैं हमारे पोर्ट्स के लिए। तो नेक्स्ट फ्लेवर हमारे पास जो है वो पोर्ट के लिए है वी गोड का। वी गोड का आपको पता है थोड़ी सी निकोटीन जो है इनकी फ्री बेस टाइप निकोटीन होती है, जिसकी हिट आपको जो है थोड़ी सी अच्छी आती है, हार्श होता है गले में। तो माइटी मिंट, अब माइटी मिंट का मतलब ये नहीं है कि आप इसको कंपेयर करें टोक्यो के मिंट के साथ, ये एक निक सॉल्ट वाला मिंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट मिंट होता है। लेकिन इसका जो माइटी मिंट है इसका आपको टेस्ट आता है, इसका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है, मिंटी टेस्ट होगा थोड़ा सा, लेकिन वो उस टाइप का मिंट नहीं होगा, लेकिन आई मीन बड़ा ही एक डिफरेंट टाइप का आप कह लें या डिफरेंट किस्म का मिंट कह लें, उस तरह का टेस्ट आता है। तो ये भी मैं आपको पोर्ट्स के लिए रिकमेंड करूँगा। अगर आप इसको 50-50% ऐड करना चाह रहे हैं अपने पोर्ट में किसी और फ्लेवर के साथ तो तब भी आपको मज़ा आएगा। अगर आप इसको 100% भी यूज़ करेंगे अपने पोर्ट के अंदर तो आपको एक बहुत ही नाइस, जो कि आपके गले में ज़्यादा हार्श भी नहीं होगा, उस तरह का मिंट फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर आप टोक्यो का मिंट फ्लेवर यूज़ करेंगे 100% तो ये आप इसको स्निफ नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा ये हार्श होता है, बहुत ज़्यादा मिंटी होता है, इतना मिंटी होता है कि ये आपका गला जो है इतना ठंडा कर देगा, फिर आपके जो है वो ब्रेन, जिसको कहते हैं ब्रेन फ्रीज होना, वो ब्रेन फ्रीज भी हो सकता है इससे। इस वजह से मैं आपको सिर्फ 20% रिकमेंड करूँगा ये ऐड किया करें। तो ये वाला मिंट आप वी गोड का यूज़ कर सकते हैं, माइटी मिंट नाम है इसका, साल्ट निक लैब्स का 25 mg निक सॉल्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं 100% अपने पोर्ट्स के अंदर, बड़ा ही प्यारा नाइस फ्लेवर है मिंट में।
उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी कुछ वेब्स के फ्लेवर। अब BLVK का वेब्स आपने मेरी जितनी वीडियोस हैं आपको पता होगा, फ्रोजन बेरी BLVK का मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल ही घटिया टेस्ट है ये, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन BLVK की अगर आप ब्लैक सीरीज देखें तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे फ्लेवर मिल जाते हैं। अब BLVK के ब्लैक सीरीज में एक और फ्लेवर है जो कि पोर्ट का ही फ्लेवर है जो मैं भूल गया हूँ, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है ये सिगार, क्यूबन सिगार फ्लेवर है 35 mg, ये भी पोर्ट्स के लिए है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको मार्केट से जो है 3000 का मिल जाएगा, डिस्काउंट में 2100 का मिल जाएगा आपको। तो काफ़ी नाइस जितना सिगार का एक टेस्ट आता है आपको, या सिगार का एक जब आप उसको स्निफ करते हैं, स्मेल करते हैं किसी भी सिगार को लेके, तो जो वो टेस्ट आपको जो स्मेल आती है आपको सेम उसी तरह की स्मेल आई है और उसी तरह का आपको मज़ा आएगा। अगेन आपने 20% इसमें जो है वो मिंट ऐड करना है, इसके साथ 70% या 80% आप ये ऐड करेंगे, या उसके साथ आप जो है 20% अपना टोक्यो का मिंट ऐड करेंगे, फिर आपको मज़ा आएगा उसका। तो ये था सिगार फ्लेवर, बहुत ही नाइस फ्लेवर है। अगर आप कोई टोबैको यूज़ करता है या कोई सिगरेट टाइप फ्लेवर चाह रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा वो ये सिगार फ्लेवर जो है वो यूज़ करें। तो अब BLVK का तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको वेपिंग के लिए, वेपिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा वीगोर्ड का एप्पल या वीगोर्ड का स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं, या वीगोर्ड का बेरी, सेम इसी तरह की बोतल होती है, कलर चेंज होता है, ये सेम यही प्राइस होगी आपको, ये 3500 के अंदर मार्केट से मिल जाएगा। ये फ्री बेस जूस है, फ्री बेस में हमारे पास 3 mg, 6 mg, 18 mg तक जो है वो निक सॉल्ट आते हैं। अब फ्री बेस सॉल्ट और निक सॉल्ट में ज़मीन आसमान का डिफरेंट है, उसके लिए भी मैं एक अलहदा से वीडियो कर दूंगा आप लोगों के लिए ताकि वो आप लोगों को समझ आ जाए। उसमें निकोटीन सॉल्ट जो है वो टोटली डिफरेंट होता है फ्री बेस में, और निक सॉल्ट वाले जो फ्लेवर आते हैं उसमें सॉल्ट जो होता है निकोटीन वो टोटली डिफरेंट होता है। खैर ये हमारे पास जो है 60 ml की बोतल है वीगोर्ड की एप्पल बॉम्ब, इसमें मैंने आपको बता दिया स्ट्रॉबेरी, और आपके पास इसमें बेरी आ जाता है, और इसमें आपके पास मैंगो आ जाता है, तो तीन फ्लेवर आते हैं। इसको आप अपने वेप में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी मज़े का फ्लेवर है, और थोड़ा सा आइसी भी होता है, तो इसमें आपको आइस फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट फ्लेवर हमारे पास आ जाता है जी बियॉन्ड का बेरी मेलोनेट। तो बियॉन्ड के काफ़ी अच्छे फ्लेवर हैं पोर्ट्स के लिए भी और वेप के लिए भी, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा वीगोर्ड के या बियॉन्ड के, आप वेप के लिए फ़्लेवर लें, बियॉन्ड का आप ट्राई करें। बेरी मेलोनेट काफ़ी नाइस स्ट्रक्चर है इसका, काफ़ी मज़ा आता है आपको, एक बेरी और मेलोनेट का या मेलन्स का फ्लेवर आ रहा होता है साथ, आपको काफ़ी मज़ा आएगा आप इसको ट्राई करें। बियॉन्ड में एक और फ्लेवर आता है कीवी का, सेम यही बोतल होती है, 100 ml की बोतल मिलेगी आपको कीवी की, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको उसका भी काफ़ी मज़ा आएगा। ये कुछ फ्लेवर्स थे जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं इनको। अब सीन ये होता है जब आप नई नई वेपिंग स्टार्ट करते हैं, या जब आप या 6 महीने 12 महीने जब हो जाते हैं आपको, तब जाके आपको पता चलता है कि यार कौन सा फ्लेवर किसके साथ मिक्स करेंगे तो मज़ा आएगा। शुरू शुरू में जब शीशा चलते थे, जब पोर्ट्स वगैरह पाकिस्तान में ई सिगरेट्स नहीं होते थे, तब भी लोग जो है वो डिफरेंट मिक्सिंग करते थे अपने शीशे के फ्लेवर के अंदर, उसके बाद जाके उनको पता चला था कि यार हाँ इसके अंदर ये चीज़ ऐड करेंगे तो मज़ा आएगा। इसी तरह ही मेरे साथ हुआ है, जब मैंने ये वेपिंग या ई सिगरेट स्टार्ट किया है तो शुरू में तो मुझे नहीं पता था, मैं कोई भी फ्लेवर जो है मार्केट से बाय कर लेता था, या कोई भी मुझे कोई रिकमेंडेशन देता था तो मैं उसको ऐड करके जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर देता था, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था, एक टेक्स्चर या वो फ्लेवर या वो एक जिसको कहते हैं वो चस नहीं मिल रही थी। थोड़ा टाइम हो गया इसके साथ चलते ई सिगरेट्स के साथ, अब जाके जो है वो मुझे पता चला कि यार कौन सा फ्लेवर या कौन सी कंपनी का फ्लेवर उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। अब सेम वाटरमेलन BLVK का भी है, सेम वाटरमेलन स्क्वीज़ का भी है, सेम वाटरमेलन बियॉन्ड का भी है, लेकिन आपको डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट फ्लेवर्स का डिफरेंट जायका आएगा। तो कोशिश यही होती है मेरी कि मैं पहले यूज़ कर लूँ, उसके बाद आप लोगों को बताऊँ कि यार कौन सा फ्लेवर जो है वो किस कंपनी का बेहतर है। अब कुछ फ्लेवर जो है BLVK में बेहतर है, कुछ फ्लेवर जो है वो टोक्यो में बेहतर है। तो ये थी गाइस आज की मेरी वीडियो जिसमें आपको मैंने फ्लेवर्स जो बताए, आप लोग वो यूज़ करें, काफ़ी मज़ा आएगा आपको फ्लेवर्स का। अगले कोई भी नए फ्लेवर्स मैं ट्राई करूंगा वो भी आप लोगों को बता दूंगा कि यार ये आप लोगों ने यूज़ करने हैं या नहीं यूज़ करने हैं, जो नहीं यूज़ करने होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, और जो मज़ेदार फ्लेवर होंगे टेक्चुअली फ्लेवर होंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं आप अपने पोर्ड में। और वेप के भी मैंने आपको फ्लेवर बता दिए कौन से आपने यूज़ करने हैं कौन से नहीं यूज़ करने हैं। ये थी गाइस आज की मेरी फ्लेवर्स की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, लाइक लाजमी कर दिया करें यार, लाइक से मोटिवेशन मिलती है मुझे, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।